जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि चैनल पर कई बार पूछा गया है। साथ ही इस टॉपिक पर बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो ये वीडियो मैंने कई साल पहले चैनल पर अपलोड करी थी, और आज जो हमारे न्यू सदस्य, चाहे वो वर्किंग हो या स्टूडेंट्स हो, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वर्किंग हैं, जो ऑफिस जाते हैं, अगर उनके पास गोपाल जी हैं, नहीं भी हैं, और वो गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, गोपाल जी की सेवा लेना चाहते हैं, उनके मन में ऐसे भाव हैं कि वे गोपाल जी की सेवा करें, उन्हें प्रभु सेवा का मौका दें, तो उनके मन में ये दुविधा भी होती है कि हम ऑफिस जाते हैं, बच्चे कहते हैं हम स्कूल जाते हैं, तो किस तरह से सेवा कर सकते हैं। तो बस आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेके, और कुछ जो भी जानकारी, जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, तो बस आप सभी के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहूँगी फ्रेंड्स कि चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, मेडिटेशन जो है लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ टाइम सुबह में जब आप उठते हैं तो अपने लिए ज़रूर दें, फिर चाहे वो आप योगा करते हों, मेडिटेशन करते हों, किस तरह से भी आप अपने हेल्थ के लिए 5 to 10 minutes, 15 minutes, जितना भी टाइम आपसे संभव हो सके वह ज़रूर निकालें। तो ये एक छोटी सी टिप जो आप सभी को देना चाहूँगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो विद्यार्थी हैं, जो वर्किंग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। जब सुबह में आप उठते हैं तो सबसे पहले जो आपके उठने का टाइम होता है वे अराउंड, अगर पॉसिबल हो तो 5 बजे, अगर आप 5 बजे तक उठ जाते हैं तो वो बेस्ट है। 5:30, 6 तक मैक्सिमम आपको उठ जाना है। उसके बाद आपको करना है स्नान। अगर आप उससे पहले अपने गोपाल जी को स्वच्छ अवस्था में हैं अगर, और अपने गोपाल जी को आप उठाना चाहते हैं, दूध वगैरह का भोग लगाना चाहते हैं, तो वह कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है खुद स्नान, और फिर अपने गोपाल जी के जो स्नान है वो आप करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गोपाल जी के स्नान की जो भी इनके श्रृंगार की सामग्री है, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट यह करूँगी, अगर आप इस अवस्था में जैसे विद्यार्थी हैं वे हैं या वर्किंग है, जिनके पास समय की बहुत त्रुटि होती है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो जैसे कि मैं करती थी पैंडेमिक के पहले, जब कोविड जो लॉकडाउन है नहीं हुआ था, तो मैं खुद भी ऑफिस जाया करती थी, तो जिस तरह से मैं सेवा करती थी वही मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो रात में ही जो भी गोपाल जी की एसेसरीज़ हैं, पूजा की या पोशाक हैं, पूजा की जो भी चीज़ें, जैसे आरती वगैरह के बर्तन होते हैं, रात में वह साफ़ कर दिए, उनकी पोशाक वगैरह, सुबह जो उन्होंने श्रृंगार स्नान के बाद जो पहनना है, जो श्रृंगार कराना है, तो वो सारी चीज़ें आपने निकाल कर रख दी, तो सुबह में इस तरह से आपको जो समय है काफ़ी मिल जाता है, चीज़ें सामने ही होती हैं, रेडी होती हैं, और फिर आप अपने गोपाल जी का उसी तरह से जो श्रृंगार है वह कर सकते हैं। अब श्रृंगार जो है, आप विद्यार्थीगण हैं या आप वर्किंग है, तो बहुत हैवी श्रृंगार तो आप कर नहीं पाएंगे, और वैसे भी प्रभु ये नहीं देखते हैं कि आप क्या महंगी से महंगी चीज़ या सस्ती चीज़, कुछ भी चीज़ें उनके लिए जो यूज़ कर रहे हैं, उनके श्रृंगार में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरह की हैं, वह देखते हैं आपके भाव। तो बस आप उस तरह से ही, जिस तरह से आप कर सकते हैं, उस तरह से उनका श्रृंगार करें, जितना आपसे पॉसिबल हो पा रहा है उस तरह का श्रृंगार आप कर सकते हैं, चंदन वगैरह लगा सकते हैं उनके, अगर पॉसिबल हो तो। और श्रृंगार करने के बाद फ्रेंड्स, जैसे कि अब करनी है उनकी आरती, तो स्नान वगैरह हो गया। अब स्नान में भी एक चीज़ और, अगर आप, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कहते हैं हमें नहीं टाइम मिल पाता, रोज़ हम स्नान नहीं करा सकते, तो आप मंत्र के उच्चारण द्वारा जो छींटे होते हैं उससे भी आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, उस तरह से भी छींटे देकर उनका स्नान जो है, मानसिक स्नान जो है, वह भी करा सकते हैं, और उसके बाद उनका श्रृंगार कर सकते हैं। स्नान और श्रृंगार
जो है उसके बाद आप करेंगे उनकी आरती। तो देखिए, जब आप सुबह खुद भी स्नान कर लेते हैं, अगर आपने सारी चीज़ें रात में ही उनके लिए रेडी कर दी है, तो फिर ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा, जल्दी से ही आप जो इनका स्नान श्रृंगार है वो कंप्लीट कर लेंगे, वो हो जाएगा, फिर आप आरती कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी देवी देवताओं की जो आरती है वह करनी है। आप विद्यार्थीगण हैं, दिया आप दिखाइए और अपने प्रभु की जो भी एक आरती करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो इनके भोग का सामान है, तो अगर आपके घर पे जैसे प्याज वगैरह का यूज़ किया जाता है और उससे जो खाना है वह बनता है, तो आप इनके भोग के लिए सूखी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, मिठाई हो गई। अगर घर में आपने इनके लिए कुछ रेडी किया हुआ है तो वो आप इन सब चीज़ों का भोग लगा, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। माखन किस तरह से घर पर रेडी करना है, इसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके बाद जब आप स्कूल या ऑफिस के लिए निकलते हैं तो इनसे प्रार्थना ज़रूर करें, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो इनसे ज़रूर कहें कि प्रभु हम यहाँ यहाँ जा रहे हैं, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल का कहें, ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस का कहें। और इस तरह से अगर आप उनके समीप जो है भोग की वस्तुएं रख रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे टॉयज़ वगैरह हैं, उनके कुछ खिलौने हैं वह रख रहे हैं, तो उनसे आपको प्रार्थना करके जानी है कि हमारे आते तक वह आपके साथ हैं और आपको ही घर का सभी का ख्याल रखना है, साथ ही आपको हमारे साथ भी ज़रूर आना है। तो इस तरह से कुछ आप कहकर प्रभु से अपने जो आपके विचार हैं उस अनुसार प्रार्थना करें और अपने स्कूल या ऑफिस के लिए फिर आप जा सकते हैं। जब भी आप स्कूल या ऑफिस पहुंचते हैं तो जो भी आपको टाइम मिलता है, अगर आप जब भी कोई भी फ्री टाइम आपको मिलता है, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गए, तो तब भी आप प्रभु नाम का जाप ज़रूर से करें। मन ही मन जो आपके विचार हैं, जो आपका ध्यान है, वो होना चाहिए प्रभु की तरफ। तो ऐसा होता है ना कि जब हम किसी से बात करते हैं और ध्यान हमारा कहीं और हो जाता है, तो बस यही चीज़ है कि आपको हर वक्त यह चीज़ का एहसास होता रहेगा कि प्रभु जो हैं वह आपके साथ हैं। तो इस तरह से कुछ आपको हमेशा उन्हें अपने साथ शामिल रखना है। अब जब दोपहर में खुद आप लंच करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमारे प्रभु की भी जो भोग की व्यवस्था है दोपहर की, वो भी आपने की ही होगी। तो यदि आप विद्यार्थीगण हैं, आपके घर पर कोई सदस्य है जो हमारे कान्हा जी की सेवा करता हो या हमारे ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हो, करते हों, तो आप उन्हें कह सकते हैं, तो वह दोपहर में प्रभु का भोग जो है वह लगा देंगे। अब अगर दूसरी एक और बात आती है कि हम वर्किंग हैं और हमारे घर पर कोई नहीं होता, हस्बैंड वाइफ दोनों हम ऑफिस चले जाते हैं, तो घर पर गोपाल जी अकेले होते हैं, अब उन्हें भोग कैसे लगाएं? तो आप उनके समीप जब सुबह जाते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो उनके भोग की भी व्यवस्था करके आपको निकलना है। उनके समीप सारी चीज़ें जो है भोग की वह रख देनी है और प्रभु से विनती करनी है कि हम थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हमने आपके भोग के लिए रखी है, जब आप भोग लगाएंगे दोपहर में तो ये सारी चीज़ें ज़रूर से स्वीकार करें। साथ ही आपको उनके पास जैसे कि अष्ट सखी है या गोमाता का विग्रह जो आता है, वह आप उनके समीप रख दें और उनसे प्रार्थना करें कि अष्ट सखी जो हैं वह प्रभु को भोग लगाएं। गोमाता से प्रार्थना करें कि उन्हें दूध माखन का भोग ज़रूर से लगाएं। सारी चीज़ें आप उनके करीब जो है प्रभु के रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोपहर का भोग। अब आप विद्यार्थी हैं चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो जब भी आप दोपहर में लंच करते हैं तो आपको ज़रूर से प्रार्थना करनी है प्रभु से कि हमने आपके पास जो भी भोग की चीज़ें रख कर आए हैं, आप ज़रूर से उन्हें स्वीकार करें और भोग ग्रहण करें। इस तरह से आप दूर रहकर भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं और मानसिक प्रार्थना जो है इस तरह से कर सकते हैं, ताकि प्रभु जो है वह आपका भोग जो आपने वहाँ पर प्रभु के लिए रखा हुआ है वह ज़रूर से स्वीकार करें। और इस तरह से नित्य जो प्रभु हैं हमारा भोग ज़रूर से स्वीकार करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार आप करके ज़रूर से देखें,
ऐसा मेरा खुद का मानना है, खुद मैंने ऐसा महसूस किया हुआ है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। दोपहर की जो भोग की बात थी वो ये हो गई। अब आप जब भी आपको टाइम मिले, चाहे आप जब ट्रैवल करते हैं, जैसे आप घर ऑफिस से घर आ रहे हों या फिर स्कूल से आप ऑटो में हैं, तो जो भी आपको थोड़ा एक या दो मिनट का समय उनके लिए निकाल सकते हैं, तो आपको दिन भर जो भी हुआ उसके लिए प्रभु को थैंक्स देना है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनका ध्यान करना है कि हमारे प्रभु कैसे होंगे, हमारे गोपाल जी कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप उन्हें मन ही मन याद कर सकते हैं। और जब आप घर लौटते हैं, घर से जब अपने कार्य जो भी आप करने गए थे या स्कूल गए थे, ऑफिस गए थे, वहाँ से आप वापस आ जाते हैं, तो हाथ मुंह धोकर आपको प्रभु से मिलना है, उनके सामने ज़रूर जाना है और पूछना है कि आपका जो दिन भर का समय था वो किस तरह से बीता, आपका समय किस तरह से बीता, वो भी आप प्रभु को ज़रूर से बताएं। और इस तरह से 5-10 मिनट का समय है जो भी आपके पास, वो उनको ज़रूर दें। शाम में जब आप घर लौटते हैं, अगर कोई है घर पर जिसने आरती वगैरह लगा दी, आरती कर दी है, दिया लगा दिया है, तो तब भी आपको आरती में ज़रूर से शामिल होना है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों। तो अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, खुद ही आपको जब आप घर लौटते हैं, घर पर कोई नहीं है, तो आपको दिया जो है वह ज़रूर दिखाना है, आरती जो है वह ज़रूर से करनी है। और जिस तरह से विद्यार्थी हैं, अगर उनके घर पर कोई आरती कर रहा हो या हो चुकी है या हो रही है, तो ज़रूर से आप उस आरती में शामिल हों। अब जो रात्रि का लंच होता डिनर होता है, तो जिस तरह से घर पर सभी के बनता है डिनर, तो आप रात्रि में जो डिनर बना है उसका भोग लगाएं, रात्रि में जो भोग प्रभु के लिए तैयार हुआ है। और फिर जैसे कि आप विद्यार्थी हैं, तो आपके घर पर किसी न किसी ने बना ही दिया होगा प्रभु के लिए भोग। और यदि आपके पास कुछ समय है, कुछ स्पेशल आप प्रभु के लिए बनाना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और अब आप विद्यार्थी हैं, स्कूल से आए हैं, कुछ टाइम आपको पढ़ाई पर भी देना है, तो वो भी आप ज़रूर से दें। और यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, खाना जो भी आपने रेडी किया है वो बन चुका है, तो आप उसका भोग लगाएं। दूध का भोग रात्रि में आपको इन्हें अवश्य से लगाना है। और फिर भोग के उपरांत थोड़ी देर बाद आपको इन्हें करा देना है शयन। तो हमारे गोपाल जी के जो कपड़े हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद आप इन्हें शयन करा सकते हैं। जब आप शयन कराते हैं, तो 5-10-15 मिनट का समय अवश्य दें, प्रभु के पास बैठें, हरि नाम जाप करें, जो भी यदि आप माला से जाप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप ध्यान जाप जो है ध्यान लगाकर प्रभु की ओर, अगर आप उस तरह से भी करना चाहते हैं जिस तरह से हम मेडिटेशन करते हैं, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यह आप 10 से 15 मिनट प्रभु के लिए ज़रूर से निकालें। और जब भी आपके हॉलीडेज़ होते हैं, जो चाहे वो स्टूडेंट्स हों या वर्किंग प्रोफेशनल हो, सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ है, या सैटरडे छुट्टी है, या किसी भी पब्लिक हॉलीडे पर आपकी स्कूल की छुट्टी है, ऑफिस की अगर आपकी छुट्टी है, तो उस दिन ज़रूर से समय निकाल कर आप भागवत गीता का जो पाठ है वह ज़रूर से करें, पढ़ें हमारे ग्रंथ और जानें कि क्या उच्च विचार, क्या चीज़ें प्रभु ने वहाँ पर बतलाई हैं। शास्त्रों का ज्ञान जीवन में बहुत महत्व रखता है। जो चीज़ें आपको कोई नहीं बतला सकता, वह आपके यहाँ पर पढ़ने से और अपने जीवन में अगर आप उसे अपनाते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर हो जाता है। और आप जिस तरह से कर्म करते हैं अपना, आपको वही करना है, कर्म ही भक्ति है। और यदि आप अपने कर्म साधारण जीवन सफलतापूर्वक और बहुत ही अच्छे से आप अपने कर्म कर रहे हैं और प्रभु वह देख रहे हैं, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। और बाकी तो जीवन का जो भी सार है, जीवन का जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो आप इन ग्रंथों में, इन शास्त्रों में पढ़कर जान सकते हैं, जो कि आपको कहीं से कोई भी इसका नॉलेज नहीं दे सकता। अगर आप पढ़ भी, अगर आपको कोई इसका नॉलेज दे भी देता है, आप सुन भी लेते हैं, तो आपको सबसे
जो ज़रूरी चीज़ है मूल रूप इसका यही है कि आप उसे अपने जीवन में उतारें। तो यही कुछ चीज़ें आपको करनी हैं और अपने कर्म जो हैं वह अच्छे रखने हैं। अपना कर्म जो है आपको बस वह करना है, किसी की बुराई निंदा हमें नहीं करनी है। अगर विद्यार्थी जीवन आप जी रहे हैं या कोई भी, अगर हम नॉर्मल एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक अपनी नॉर्मल डेली जो लाइफ है वो भी जी रहे हैं, तो हमें इसी तरह का साधारण जीवन जीना चाहिए और प्रभु की भक्ति में ऐसे ही हमें लगे रहना है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर ली होगी। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी, जो कि हमारे चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं और वर्किंग प्रोफेशनल जो जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है हेल्पफुल रही होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट या किसी का भी कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।